नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर लाइव। आपके साथ मैं अनुव्रत शर्मा। खबर आ रही है मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से। हुए आरक्षण, पंचायतों में ताल ठोकेंगे उम्मीदवार, कुछ की खुली किस्मत, कई हुए निराश। जी हां, कुरवाई में सोमवार को जनपद पंचायत कुरवाई के नए भवन में एसडीएम गोपाल सिंह वर्मा, तहसीलदार के एन ओझा, जनपद सीईओ एमएल प्रजापति की उपस्थिति में एवं सभी राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधि व क्षेत्र के ग्रामीणों की मौजूदगी में सुबह 10 बजे से पंच और सरपंच की आरक्षण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, जो कि दोपहर 3 बजे तक क्षेत्र के पंचायतों के पंच आरक्षण शांतिपूर्वक समाप्त हुए। उसके बाद 4:30 बजे से 75 पंचायतों के सरपंचों की सीट के आरक्षण की प्रक्रिया चालू हुई, जो कि 6:00 बजे तक चली, जिसमें 75 पंचायतों में सरपंच के आरक्षित सीटों में 18 अनुसूचित जाति, 5 आदिवासी, 19 पिछड़ा वर्ग एवं 33 सीटें सामान्य की आरक्षित रहीं। आरक्षण शांतिपूर्व तरीके से विधानसभा के सभी गणमान्य नागरिकों की मौजूदगी में एवं सरपंचों की मौजूदगी में किया गया। कुरवाई से इंडिया खबर लाइव संवाददाता विराट ठाकुर की एक रिपोर्ट। दो हजार बीस में होने वाले ग्राम पंचायतों के चुनाव के लिए आज कुरवाई जनपद का पंच और सरपंच का आरक्षण का दिन नियत था। जनपद पंचायत कुरवाई के सभा कक्ष में यह कार्रवाई सुबह 11 बजे प्रारंभ कर दी गई और पंचों का आरक्षण विधिवत किया गया। उसके पश्चात सरपंच पद के लिए आरक्षण की कार्रवाई प्रारंभ की गई, जिसमें सबसे पहले अनुसूचित जाति, उसके बाद अनुसूचित जनजाति, उसके पश्चात पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण किया गया। शेष जो बचे हुए स्थान थे वे अनारक्षित रहे। इसके पश्चात महिला और पुरुष का आरक्षण किया गया है और आधे पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर 75 पद हैं, इसलिए 38 पद महिलाओं के लिए सरपंच पद हेतु आरक्षित किए के लिए आज आरक्षण का प्रक्रम यहाँ पर जो कार्रवाई की जा रही थी इस स्तर पर पूरी हुई है। अब इस अधिसूचना को कलेक्टर महोदय से अनुमोदित होने के बाद गजट में नोटिफिकेशन होना है, वह कार्रवाई शेष है।